हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको चैप्टर शुरू करवाया हुआ था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, जिसमें मैंने जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पोर्शन है उसको मैंने कंप्लीट करवा दिया था आपको, और इसकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर जो है टोटल 5 वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं अपने चैनल पर। तो अगर आप सभी ने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोज़ को मेरे चैनल पर जाकर अकाउंटिंग फॉर मैनेजेरियल डिसीजंस की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो उनको, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको वहां पे और बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोस जो हैं मिल जाएंगी कंप्लीट चैप्टर्स की। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स, हम इसी जो हमारा ये लेसन है इसका सेकंड पार्ट है वेरिएंस एनालिसिस, इसको हम आज की वीडियो से ही स्टार्ट करेंगे। आज हमारा वेरिएंस एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट होगा, फर्स्ट वीडियो होगी। तो चलिए बता देती हूँ आपको कि आज की वीडियो में मैं आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करवाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है, विचरण विश्लेषण क्या होता है, एंड सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे फेवरेबल और अनफेवरेबल वेरिएंसेस कौन से होते हैं, एंड थर्ड इसमें हमारा टॉपिक होगा कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल वेरिएंसेस कौन कौन से होते हैं। तो इन तीनों टॉपिक्स को हम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में कवर करेंगे, और जो क्लासिफिकेशंस ऑफ वेरिएंसेस है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है, तो वेरिएंस एनालिसिस को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस जो वेरिएशन से मिलकर बनता है, और वेरिएशन क्या होता है, डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं, अंतर बोलते हैं। किस चीज़ में अंतर, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था, अगर आपने वो वीडियोज़ देखी होंगी तो आपको पता होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, स्टैंडर्ड और एक्चुअल में, ठीक है। स्टैंडर्ड और एक्चुअल में जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी वेरिएंसेस हैं, ठीक है, तो उन्हीं को ही हम उसमें कैलकुलेट करते थे, उन्हीं को ही चेक करते थे। तो बेसिकली वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है, वेरिएंस एनालिसिस वेरिएंसेस को एनालाइज करने की एक प्रोसेस होती है। क्या होती है, जो वेरिएंस एनालिसिस होता है वो एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम वेरिएंसेस को एनालाइज करते हैं। कैसे एनालाइज करते हैं, जो हमारा टोटल वेरिएंसेस होता है उनको सब डिवाइड करके, ठीक है। मतलब कि जो भी वेरिएंसेस है, टोटल वेरिएंसेस हैं, उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है इसमें, ठीक है। और क्यों किया जाता है, जिससे कि जो मैनेजमेंट है वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को असाइन कर सके, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तय कर सके कि अगर ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, अगर जो परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए जो मैनेजमेंट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को असाइन कर सकती है। तो बेसिकली इसमें कहने का मतलब क्या है कि वेरिएंस एनालिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वेरिएंसेस को एनालाइज किया जाता है। कैसे, टोटल वेरिएंसेस को सब डिवाइड करके, ठीक है, जो टोटल वेरिएंसेस हैं उनको सब डिवाइड करके वेरिएंसेस को इसमें एनालाइज किया जाता है। और सब डिवाइड क्यों किया जाता है, जिससे कि जो मैनेजमेंट है वो ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को असाइन कर सके। तो आई होप कि आप सबको वेरिएंस एनालिसिस का जो इंट्रोडक्शन है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे इसमें इसकी एक और डेफिनेशन कि वेरिएंस एनालिसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग द अमाउंट ऑफ वेरिएंसेस। जो वेरिएंस एनालिसिस है वो एक प्रोसेस है वेरिएंसेस को कंप्यूट करने की, ठीक है, वेरिएंसेस को फाइंड आउट करने की। और अगर वेरिएंसेस हैं तो वो किस कारण से हैं, उस जो कारण है उसका वेरिएंसेस का, उन वेरिएंसेस का, उसको फाइंड आउट करने की एक क्या है, प्रोसेस है। और जो डिफरेंस है, वेरिएंस है, वो किसके बीच में, एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में। कहने का मतलब इसमें यही है कि वेरिएंस एनालिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में जो वेरिएशंस हैं, डिफरेंसेस हैं, उनको फाइंड आउट किया जाता है, और वो क्यों है, किस कारण से हैं, उनको भी जो है फाइंड आउट इसमें किया जाता है। तो ये हो गया आपका वेरिएंस एनालिसिस। उसके बाद सेकेंड इसमें टॉपिक है फेवरेबल एंड अनफेवरेबल वेरिएंसेस कौन से होते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अनुकूल और प्रतिकूल विचरण। तो फेवरेबल वेरिएंसेस कौन से होते हैं, जब एक्चुअल कॉस्ट जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम होगी। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, कि जब एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम होगी तब जो वेरिएंसेस हमारे पास होंगे वो कौन से होंगे, फेवरेबल वेरिएंसेस होंगे। वहीं पे जब हमारी एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा होगी तब हमारे जो वेरिएंसेस हैं वो कौन से होंगे, अनफेवरेबल वेरिएंसेस हमारे होंगे।
तो एग्जांपल के थ्रू आप देखो कि अगर आपने स्टैंडर्ड जो कैलकुलेट किया है वो आपने किया है 100 का, वहीं पे जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है वो आपकी आई 90 रुपीज़, तो आपका इसमें 10 रुपीज़ का प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए फेवरेबल ही होगा। और ऐसे ही इसी का उल्टा क्या है कि अगर आपने स्टैंडर्ड तो फिक्स किया 100 रुपीज़ का, फिक्स नहीं मतलब कैलकुलेट किया आपने 100 रुपीज़ का और वहीं पर आपकी एक्चुअल कॉस्ट आ गई 110 रुपये, तो यहाँ पर आपका 10 रुपये का लॉस हुआ, तो ये आपके लिए सही नहीं होगा, ठीक है। तो ये अनफेवरेबल वेरियंसिस होगा। तो इसी को ही स्टूडेंट्स आप एक और तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो कि अगर जो वेरियंस है जो भी वो पॉजिटिव है, ठीक है, अगर आपके पास जो भी वेरियंस है वो पॉजिटिव आया तब तो वो होगा फेवरेबल वेरियंस, और वहीं पे अगर जो वेरियंस है वो नेगेटिव आया तब वो होगा अनफेवरेबल वेरियंस। तो आई होप कि आपको फेवरेबल और अनफेवरेबल वेरियंसिस के बारे में अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मैं आपको ये पॉइंट वाइज इसलिए करवाती हूँ ताकि आप जो है इसको आसानी से समझ सको और आप इसको ईजिली याद रख सको, ठीक है। तो आगे इसमें है, नेक्स्ट है इसमें कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल वेरियंसिस क्या होते हैं, नियंत्रणीय और अनियंत्रणीय विचरण क्या होते हैं। तो नाम से ही आपको सबसे पहले तो क्लियर हो गया होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसे वेरियंसिस जिनको मैनेजमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता हो, ठीक है, जो ऐसे वेरियंसिस हो जिनको मैनेजमेंट कंट्रोल कर सके उनको क्या बोलते हैं, कंट्रोलेबल वेरियंसिस बोलते हैं। वहीं पे ऐसे वेरियंसिस जिनको मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती, जो मैनेजमेंट के कंट्रोल से बाहर हैं, ठीक है, मैनेजमेंट के हाथ में नहीं है उनको कंट्रोल करना, उन वेरियंसिस को क्या बोला जाता है, अनकंट्रोलेबल वेरियंसिस उनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल वेरियंसिस। तो इसमें आपको स्टूडेंट्स एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कंट्रोलेबल वेरियंसिस हैं, ठीक है, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में अगर आवश्यकता से अधिक मतलब कि जितना मटेरियल यूज़ होना है उससे ज़्यादा अगर यूज़ हो रहा है तो उसके लिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल किसको कर सकती है, जो फोरमैन होगा वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। मैनेजमेंट जो है वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करेगा फोरमैन की, ठीक है। लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि वो ज़्यादा मटेरियल यूज़ क्यों हो रहा है, हो सकता है कि मटेरियल कुछ डिफेक्टिव हो, तो अगर ख़राब मटेरियल है ऑर्गेनाइजेशन में और उसकी वजह से अगर ज़्यादा मटेरियल यूज़ करना पड़ रहा है प्रोडक्शन में, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, जो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो बेसिकली इसमें कहने का मतलब यही है कि मैनेजमेंट जिसमें जो मैनेजमेंट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को असाइन कर पाए कि हाँ इस कारण इस चीज़ के लिए ये डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो ऐसे अगर वेरियंसिस हैं उनको बोलेंगे कंट्रोलेबल वेरियंसिस। और वहीं पे अगर मैनेजमेंट किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन नहीं कर पाती है, ठीक है, कि जो भी वेरियंसिस हैं इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो अगर मैनेजमेंट किसी को भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं तय कर पाती है तब वो क्या होंगे, आपके अनकंट्रोलेबल वेरियंसिस होंगे। तो अनकंट्रोलेबल वेरियंसिस में फॉर एग्जांपल मार्केट में जो मटेरियल है उसका प्राइस इंक्रीज हो जाना, अब देखो मार्केट में मटेरियल का प्राइस इंक्रीज हो गया तो इसमें मैनेजमेंट कुछ कर सकती है, बिल्कुल भी नहीं, मैनेजमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो तो मार्केट में हुआ है ना, मार्केट के जो भी कंडीशंस हैं जो भी सिचुएशंस हैं उनके अकॉर्डिंग प्राइस जो है कम या ज़्यादा हुआ है, तो इसमें जो है मैनेजमेंट तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। तो ऐसे जो वेरियंसिस होते हैं वो अनकंट्रोलेबल वेरियंसिस होते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको वेरियंस एनालिसिस क्या होता है इसको अच्छे से क्लियर करवा दिया, और फेवरेबल और अनफेवरेबल वेरियंसिस कौन से होते हैं, एंड कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल वेरियंसिस क्या होते हैं, ये तीनों टॉपिक मैंने आपको आज की वीडियो में अच्छे से क्लियर करवा दिए हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी और आपको ये तीनों टॉपिक जो है अच्छे से कवर हो गए होंगे और अच्छे से आपको समझ गए आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमारा पार्ट टू होगा वेरियंस एनालिसिस का, जिसमें हम मटेरियल कॉस्ट वेरियंसिस और उसको आगे फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इन सब पार्ट्स को आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, इन सब पार्ट्स को जो है हम
नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, तो आप उस वीडियो को भी बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, आपको आज की वीडियो से कुछ भी नॉलेज गेन हुई होगी, तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे हम उसमें। एंड तब तक थैंक यू सो मच।